वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 22 को आए थे इंडिया में, प्राइवेट जॉब करते हैं, और 22 को आए थे और 23 को वो आगरा आए थे, और उन्होंने अपनी जांच करा ली थी एहतियातन, जिसमें वो आज पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके परिवार और उनके जो भी कॉन्टैक्ट थे, उनकी हम लोग आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा कहीं भी शहर में या किसी भी आयोजन में प्रतिभाग नहीं किया गया है, ना किसी मार्केट गए हैं, वो अपने घर में ही 2 दिन से थे। तो आसपास के जो भी लिफ्ट से, सेम लिफ्ट से चलने वाले लोग हैं, बाकी लोगों का हम लोगों ने सैंपल करा लिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेज रहे हैं टेस्ट को, और उम्मीद ये करते हैं कि 2-3 में केसेस अभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर केस को जोड़ना। फिर भी प्रयास यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित अगर हैं वो, तो उनके कॉन्टेक्ट को हम लोग ट्रेस करते हैं। वायरस उसको लेकर के किस तरह की जानकारी है लोगों में, किस तरह की? देखिए, अभी तक तो जो वो इंडिया में किस तरह रिएक्ट करेगा ये जानकारी नहीं है। जहाँ तक कि वेरिएंट के बारे में यही कहा गया है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा कम है, इसलिए संक्रमण फैलने में भी थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी फैलता है। लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, और जो पहले पूर्व में बताया गया था कि मास्क का प्रयोग करें, साथ में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये मूल मंत्र है जिससे हम हर तरह के संक्रमण को बचा पाएंगे। उपचार और उसकी स्थिति ना बने, ये हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करें। सर, अक्सर आगे जो आता है